Good morning, students. My name is Kuljeet Kaur. I am lecturer of biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing third chapter, that is plant kingdom. We have already done algae, bryophytes and pteridophytes. Today we are going to start the new topic, that is gymnosperms. So let's start. Okay, students, let's continue chapter 3, that is plant kingdom. Students, we have already done algae, bryophytes and pteridophytes. Today we will start the next group, that is gymnosperms. Okay, so we are starting gymnosperms. First of all, I would like to tell you about gymnosperms. Bache, they are seed bearing plants. They are known as spermatophytes. They are naked seed plants. Seeds are not enclosed in the fruits. Gymnosperms is a Greek word. It is made from two words. Gymnos means naked and sperma means seed. ठीक है? Gymnosperms बच्चे एक ऐसे plants हैं जिसमें seed जो होता है वो naked होता है. Seed fruit के अंदर present नहीं होता. ठीक है, सो दे आर स्पर्मेटोफाइट्स. दे आर एग्जाम्पल ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स विद नेकेड सीड्स. मोस्टली ये वुडी प्लांट्स हैं, इसमें ट्रीज हैं, श्रब्स हैं. यहाँ पर मैंने दो स्पेशल एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. फर्स्ट एक एग्जाम्पल है सिकोवा. ये एक जिम्नोस्पर्म है जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, राइट. एंड सेकेंड है गिंगो. इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं. इट इज़ नोन एज लिविंग फॉसिल बिकॉज बहुत सारे जो एक अपना जो जिम्नोस्पर्म्स है बच्चे, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं. जैसे साइकेडेलीज एक ऑर्डर है, इसी तरह से गिंगोएलीज ऑर्डर है जिसमें जो गिंगो है वो एक लिविंग फॉसिल है क्योंकि इसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराने हैं. लेकिन गिंगो एक ऐसा मेंबर है जो कि लिविंग फॉसिल है, अभी भी हम इस ट्री को देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चे जिम्नोस्पर्म्स को शुरू करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिम्नोस्पर्म्स के जो कि आपको पता होने चाहिए. जैसे आपने ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल्स लर्न करे, टेरिडोफाइट्स के करे, कुछ कॉमन जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ. जैसे सबसे पहले है ये साइकस है. साइकस बच्चे आम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है गार्डन्स में, स्कूल कॉलेजेस में भी ये ग्रो करता है. एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है. सो इसके कंपाउंड लीव्स होती हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन्स में. ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करता है, साइकेडेलीज ऑर्डर का ये मेंबर है. नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये पाइनस है. पाइनस जो है ये काफ़ी लंबे ट्रीज होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 70 मीटर हाइट होती है. हिली एरियाज में मोस्टली हम इनको देखते हैं और ये एवरग्रीन होते हैं और कोनिकल शेप के होते हैं, ठीक है. अगर आप इनकी शेप देखते हो तो इनको हम कोनिकल शेप कहते हैं. मोस्टली ट्री जो है उसकी ये शेप होती है, कोनिकल शेप होते हैं, ठीक है. दो तरह की इसमें ब्रांचेस होती हैं. कुछ लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं जो कि ग्रो करती ही रहती हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती हैं. और कुछ जो होती हैं वो ड्वार्फ होती हैं, छोटी ब्रांचेस हैं जो कि थोड़ा सा ग्रो करते हैं, लिमिटेड ग्रो करते हैं, फिर उसमें ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है. So this is another very important example of gymnosperms, that is pinus. इनको हम conifers कहते हैं. Conifers इसलिए बोलते हैं बेटे because इनमें क्या होते हैं, इनमें cones होते हैं. So that's why they are known as conifers. Next example. Okay, one more example of gymnosperm बच्चे, this is citrus. सिट्रस जो है ज़्यादातर हिमालयस में हम ग्रो देखते हैं और काफ़ी हाइट पे, हाई हिमालयस में अप्रॉक्सीमेटली 3000 मीटर की हाइट पे ये ट्रीज हमें मिलते हैं. सो इसमें भी जो नीडल्स हैं, जो लीव्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं. और सिट्रस जो है बच्चे, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है. सो इसका जो वुड होती है उसमें कुछ ऑयल्स ऐसे निकलते हैं जो कि मेडिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म का मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो है गिंगो. सो दिस इज गिंगो बाइलोबा.
गिंगो जो है ये एक लिविंग फॉसिल है. अभी मैंने आपको बताया कि गिंगो लिविंग फॉसिल है और इसको हम मेडन हेयर ट्रीज भी बोलते हैं. दिस इज नोन एज मेडन हेयर ट्रीज, ठीक है. और एवरग्रीन ट्री रहता है. सो ये सिड्रस है, पाइनस है एंड साइकस है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. अभी मैंने आपको गिंगो के बारे में बताया था कि गिंगो जो है मोस्टली जो इसके बाकी मेम्बर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो गिंगो जो है वो लिविंग फॉसिल है, एवरग्रीन ट्री है जो हम आज भी देख सकते हैं. नेक्स्ट बच्चे, अब हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के. जिम्नोस्पर्म्स में जो ट्रीज हमने देखे, प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा था कि कौन सा एक स्पोरोफिटिक फेज होता है और गेमिटोफिटिक फेज होता है जब गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये स्पोरोफिटिक हैं और इसमें प्रॉपर रूट सिस्टम है, स्टेम है और लीव्स हैं, ठीक है. एवरग्रीन है, ट्रीज भी हैं और श्रब्स भी हैं. नॉर्मली जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ज़ीरोफिटिक करेक्टर शो करते हैं. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत हार्श, ड्राई, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं उसमें ये ग्रो करते रहते हैं. अगर जिम्नोस्पर्म्स में आप रूट्स देखते हैं तो द रूट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. व्हाट इज सिम्बायोसिस? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वर्ड टू यू बच्चे. सिम्बायोसिस होता है जब दो पार्टनर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको लाइकेंस का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स जो होते हैं, जैसे लाइकेंस में एल्गी और फंजाई, तो उसमें दोनों पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं. एल्गी जो होता है उसको फंजाई से बेनिफिट होती है और फंजाई जो है वो एल्गी से बेनिफिट होती है. इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं. तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें मोस्टली जो रूट्स होते हैं उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं विद फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है फंजाई का. फंजाई फॉर्म्स द माइकोराइजल एसोसिएशन. माइकोराइजा क्या होता है? जब किसी भी प्लांट्स के रूट्स के साथ, माइको वर्ड फंगस के लिए यूज किया गया है और राइजा होता है रूट, जब किसी भी प्लांट्स के रूट्स के साथ फंगस एसोसिएटेड होते हैं तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं. पाइनस में ये देखा जाता है, पाइनस इज अ कॉनिफर. तो इसमें क्या होता है कि माइकोराइजा क्या करता है? माइकोराइजा हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स. सो प्लांट को इससे क्या बेनिफिट होता है? तो जो फंगस रूट्स के साथ प्रेजेंट है तो वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है रूट्स की. और इनडायरेक्टली फंगस को क्या हेल्प हो रहा है? फंगस को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ग्रो करने के लिए. इसी तरह से जो एल्गी है, साइकस एंड नॉस्टॉक. साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है. नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा है. सो इसी तरह से साइकस और नॉस्टॉक जो होते हैं वो साइकस में स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, उनको हम कोरुलॉइड रूट्स कहते हैं. सो कोरुलॉइड रूट्स कौन से रूट्स होते हैं? जिसमें कि एल्गी प्रेजेंट होती है. सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है प्लांट की. नेक्स्ट, अगर हम स्टेम देखते हैं, स्टेम इरेक्ट है. मोस्टली ये वुडी स्टेम्स होते हैं, सीधी इरेक्ट स्टेम होती है और अनब्रांच स्टेम होती है. इट इज अंडरग्राउंड इन जैमिया, अनब्रांच है. प्रेजेंस ऑफ परमानेंट लीफ और स्कार. अगर आप कोई भी आप जिम्नोस्पर्म देखते हैं तो जो उसकी स्टेम होती है उसके ऊपर आपको इस तरह से स्कार्स नजर आते हैं, ठीक है. स्कार्स जो है एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स का है, क्योंकि जो लीफ स्कार्स होते हैं तो आगे ऊपर जो है एपिकल बर्ट होते हैं, न्यू लीव्स आते रहते हैं, पुराने लीफ जब गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, तो उनके स्कार रह जाते हैं. सो इसे हम लीफ स्कार कहते हैं, जो कि एक परमानेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का. ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं. डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह के लीव्स होते हैं एक प्लांट में. वी हैव टू टाइप ऑफ लीव्स. वन इज फोलिएज लीव्स एंड अदर इज नोन एज स्केल लीव. सो दिस इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक. मीन्स वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ द लीव्स इन द प्लांट. ओके, सो बच्चे यहाँ पर मैंने आपको डाइमॉर्फिक लीव दिखाया है. ये जो आपको छोटे छोटे ब्राउन कलर के लीव दिख रहे हैं, जो कि बहुत छोटे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्केल लीव. सो फर्स्ट टाइप का लीफ क्या हो गया? स्केल लीफ हो गया. ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, बहुत छोटे होते हैं, थोड़े ब्राउनिश होते हैं और एक जस्ट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. उसके बाद इन्हीं स्केल लीफ के एक्सिल में
दूसरे लीव्स आ रहे हैं जिन्हें हम फोलिएज लीफ भी कहते हैं और इनको हम नीडल्स भी कहते हैं। अगर आप पाइनस में पाइनस का लीफ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लीफ इस तरह से होते हैं, जस्ट लाइक दिस। इन लीव्स को हम बोलते हैं नीडल्स, दे आर नोन एज नीडल्स, एंड दीज नीडल्स दे आर वेरी लॉन्ग ग्रीन, और देखो इनमें क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो लीव्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, दे आर डाइमॉर्फिक, वन इज स्केल लीव एंड अदर इज द फोलिएज लीव। फोलिएज लीव्स आर नीडल्स, दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर लॉन्ग, दे हैव क्लोरोफिल एंड दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, ओके, ये जो प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट विनेशियम, मैंने आपको बताया था, जैसे आपने टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको बताया था कि जो यंग ऊपर लीव्स होते हैं वो इस तरह से स्पाइरल कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, इसको हम सर्सिनेट बोलते हैं। सो ये एक जिम्नोस्पर्म्स में भी हम देखो, जो जैसे जैमिया में दिखाया गया है, सर्सिनेट विनेशियम दिखाई दी है, ऊपर जो लीव्स हैं वो कॉइल्ड हैं। सो इसका, इससे हम ये कह सकते हैं, ये एक जैसे साइकस में ये होता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात का फॉर द टेरिडोफिटिक ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि टेरिडोफाइट में भी हमने ये फीचर देखा। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, उनका ओरिजिन हुआ है टेरिडोफाइट से, ठीक है। सो साइकस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स किसके करेक्टर शो कर रहे हैं, वो टेरिडोफाइट्स के करेक्टर भी शो कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जब एवोल्यूशन हुआ तो टेरिडोफाइट के बाद नेक्स्ट कौन से प्लांट्स आए, जिम्नोस्पर्म्स आए, ठीक है, तभी वो उसके करेक्टर्स उससे मैच हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, नाउ अब हम थोड़ा सा वास्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है एंड दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। जाइलम एंड द फ्लोएम विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द फूड। नाउ जाइलम अगर आप जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे, जाइलम के पास ट्रैकीड्स भी होंगे और जाइलम पैरेन्काइमा भी है, बिकॉज जाइलम स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बनता है, जैसे ट्रैकीड्स हैं, जाइलम के पास वेसल्स भी होते हैं, पैरेन्काइमा भी होता है, फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, वेसल्स आर एब्सेंट। यू मस्ट एट नोट इट डाउन बच्चे, इट इज़ अनदर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ऑल्सो, कि जो जिम्नोस्पर्म्स का वॉस्कुलर टिश्यू है उसमें वॉट इज एबसेंट। सो वेसल्स आर एबसेंट इन द जाइलम टिश्यू, वेसल्स प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ नीटम, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स का एक ऑर्डर है नीटेलिस, तो उसका मेम्बर है नीटम, सो इसमें क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द वुड ऑफ नीटम, अभी फिर से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो वेसल्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, हाईली वॉल्ड प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, लेकिन एक जिम्नोस्पर्म में जो नीटम है उसमें भी वेसल प्रेजेंट होते हैं। सो ये एक फिर से एविडेंस हो गया फॉर द जिम्नोस्पर्मिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। यू आर गेटिंग इट, जैसे मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ है, मैंने अभी आपको सर्सिनेट बताया था, इसी तरह से जिम्नोस्पर्म्स के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे ऑर्डर नीटेलिस का एग्जांपल है नीटम। नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स की वुड के अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन नीटम इज अ प्लांट विच इज हैविंग वेसल्स, सो दैट इंडिकेट्स एंड दिस इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एंजियोस्पर्म्स जो हैं दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स, एंड जो नीटम है इट इज अ लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, सो बच्चे ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ये कंडक्टिंग टिश्यू है और उसमें ये जो ये दिख रहे हैं आपको वेसल्स दिख रहे हैं, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द नीटम वेयर जी इज साइलेंट। सो ये नीटम है जिसके वुड में बहुत सारी वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज द फ्लोएम विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द फूड।
फ्लोएम जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. इट इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स. इट हैज़ फ्लोएम पेरेन्काइमा. देन इन द जिम्नोस्पर्म्स द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट एंड दीज कंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू बट दे आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म्स विच आर मोर इवॉल्व देन जिम्नोस्पर्म्स बट दे आर एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म. सो यू मस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट दिस पॉइंट ऑल्सो कि इन द जिम्नोस्पर्म्स इन द जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट. एक्सेप्शनल में बताया आपको कि नीटम में प्रेजेंट होती है एंड इन द फ्लोएम द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन. हाउ द जिम्नोस्पर्म्स रिप्रोड्यूस. जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर हेटरोस्पोरस. ऑलरेडी दिस वर्ड इज फेमिलियर टू यू. इट मीन्स दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द माइक्रोस्पोर्स एंड द मेगास्पोर्स. मेगास्पोरेंजियस जो होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर होते हैं. स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में भी समझाया था कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो लीफलेट्स हैं जिनके पीछे स्पोरेंजियाज होते हैं, सो दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स, राइट. सो मेगास्पोरेंजियाज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजियाज आर प्रोड्यूस्ड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल्स. और स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो कंपैक्ट अरेंज होते हैं, इकट्ठे होके वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्स या हम उसको कहते हैं स्ट्रोपिलाई. नेक्स्ट, नाउ द मेल कोन. मेल कोन कहाँ पे होगा, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होगा. ठीक है, जो मेल कोन होते हैं मोस्टली अगर हम पाइनस में देखें, पाइनस में जो कोन होते हैं वो 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होते हैं. दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर. ठीक है, और मोस्टली कोन क्या होते हैं, उसके अंदर एक ऐसे सेंटर में एक्सिस होते हैं और यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं. ये जो मैंने ड्रॉ करी हूँ दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स. और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं उनकी जो नीचे वाली साइड होती है, वेंट्रल साइड होती है, उस पर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं. मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी. सो दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, सो मेल कोन्स जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फीमेल कोन्स कई सालों तक रहते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियाज क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल की जो लोअर साइड है, मैक्सियल साइड है, उसके ऊपर होते हैं, राइट. लेट्स सी देन फीमेल कोन. फीमेल कोन किसके ऊपर बॉर्न होंगे, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर. और मेल कहाँ बॉर्न हुए थे, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर. ठीक है, तो बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं उनकी एग्रीगेशन होती है तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज नोन एज फीमेल कोन. तो जो मेगास्पोरोफिल्स हैं दे मे बी फोलियर एज इन साइकस और कॉलाइन, मतलब वुडी होते हैं, या तो लीफ लाइक होंगे. इन द केस ऑफ साइकस तो वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो पाइनस होता है कॉनिफर्स में, पाइनस जो है उसमें वो बुडी होते हैं. ठीक है, उसे कॉलाइन कहते हैं. सो मेगास्पोरेंजियम जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे. ओव्यूल जो होते हैं ऑर्थोट्रॉपस होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं. ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल एंड यूनिटेगमिक जो होते हैं, ओव्यूल के ऊपर आउटर लेयर एक होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज नोन एज इंटेगुमेंट. ठीक है, नेक्स्ट. सो बच्चे ये मैंने आपको कॉन्स दिखाने के लिए एक पिक्चर यहाँ पे लिया है. ये पाइनस है, आपको नीडल्स दिख रहे हैं, ग्रीन जो है उसके लीव्स हैं जो कि बहुत फाइन लॉन्ग नीडल्स की तरह नज़र आ रहे हैं एंड दीज आर द मेल कॉन्स. ठीक है, मेल कॉन्स हैं जिनको कि, और जो लीव्स इसके जो मेल कॉन्स होते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एक स्पायरल की तरह अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको और भी क्लियर हो जाएगा. सो ये अगेन मैंने आपको दोनों कॉन्स दिखाने के लिए एक पिक्चर ली है. ऊपर जो है ये आपके मेल कॉन्स हैं और नीचे जो ये वुडी स्ट्रक्चर आपको नीचे नज़र आ रहा है दिस इज अ फीमेल कॉन. ठीक है, सो फीमेल कोन जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, वुडिश होते हैं, वुडी होते हैं, थोड़े रेडिश कलर के होते हैं. सो ये डिफरेंट ईयर्स के हम आप देख सकते हैं प्लांट में. जो फर्स्ट ईयर कोन होते हैं वो बहुत स्मॉल और ग्रीन नज़र आते हैं और बहुत कम्पैक्ट अरेंज होते हैं, लेकिन जो सेकेंड ईयर के फीमेल कोन्स होते हैं वो वुडी होते हैं, लार्ज होते हैं, रेडिश होते हैं, राइट. सो दीज आर कोन्स. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ मेल कोन और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं. और माइक्रोस्पोरोफिल्स के वेंट्रल साइड पे, लोअर साइड पे ये जो आपको ब्राउन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दिस इज नथिंग बट दिस दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम्स. ठीक है,
माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स, इनको हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं और इनको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, एक ही बात है, दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर और दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मेल कोर. इसके सेंटर में ये जो दिख रहा है ये सेंट्रल एक्सिस है, स्टॉक है, और यहाँ पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और ये जो बॉडीज, ये बॉडीज दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं, माइक्रोस्पोरेंजियास, एंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियास वी हैव पॉलन ग्रेन्स और वी हैव माइक्रोस्पोर्स, राइट. सो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उनको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं. पाइनस के अंदर मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ बच्चे, जो पाइनस है उसका जो पॉलन ग्रेन होता है उसके पास विंग्स होती हैं, ये उसके पास एक उसकी आउटर वॉल है, उसको हम एग्जाइम बोलते हैं, टू वॉल स्ट्रक्चर होता है, उसके पास ये विंग्स होते हैं, क्योंकि ये विंड पॉलिनेट करती है, हवा के साथ ये फ्लाई करके फीमेल पार्ट के पास जाती है. सो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये उसको हम विंग्स कहते हैं. सो ये पाइनस का फीचर है, मोस्टली पाइनस के जो कोनिफर है उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, सो दे आर जस्ट लाइक दिस. सो इसकी आउटर वॉल होती है, टू वॉल होती है, आउटर जो वॉल होती है उसको हम एग्जाइम बोलते हैं, और जो अंदर वाली वॉल होती है उसे हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है. सो इस तरह से ये टू वॉल, ये ऐसे मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, आउटर वॉल और उसके अंदर ये इनर वॉल. सो एग्जाइन एंड इंटाइन, उसके बाद इसके पास ये न्यूक्लियस है. सो दिस इज अ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस. नाउ दीज आर फीमेल कोन्स, ठीक है, आपको वुडी कोन्स दिख रहे हैं, ये फीमेल कोन्स हैं. सो फीमेल कोन का भी यहाँ पर एक सेक्शन है, LS है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फीमेल कोन का. सो इसमें आप देख सकते हो बच्चे, आपको फिर एक सेंट्रल कोन एक्सिस दिख रहा है, उसके बाद ये आप बीच में आपको छोटे छोटे ब्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे ओव्यूलीफेरस स्केल्स हैं, ओव्यूलीफेरस स्केल्स हैं जिसके सेंटर में यहाँ पर क्या है, आपको ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं. सो यू कैन सी द ओव्यूल्स, ठीक है. सो यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस है, और यहाँ पे जो नीचे वाले जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं उनको हम ब्रैक्ट्स कहते हैं, ये छोटे वाले ब्रैक्ट्स हैं. एंड उसके बाद हमारे ओव्यूलीफेरस स्केल हैं जो बड़े होते हैं, वुडी होते हैं, और उसके पास टू नेकेड ओव्यूल्स होते हैं ऑन द अपर सर्फेस. सो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस. सो ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल कोन्स, राइट. नेक्स्ट देन वी कम टू द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये विंड पॉलिनेटेड होते हैं. अभी मैंने बोला विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली, कि जो मेल गैमीट होता है उसको फर्टिल. वॉट इज फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. सो जो मेल गैमीट है, जो पॉलन ग्रेन मैंने अभी आपको विंड पॉलन ग्रेन बना के दिखाया था, तो वो पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड, ये एक एजेंसी है जिससे वो फ्लाई करके कहाँ जाएंगे, फीमेल के पास जाएंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो माइक्रोस्पोर्स लिब्रेट होंगे कोन में से, पॉलन डिपॉजिटेड इन द वेट पॉलन चैम्बर, और फर्टिलाइजेशन जो होती है साइफोनोगैमस होती है विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलन ट्यूब? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट जब करते हैं, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके तो जो पॉलन ग्रेन के अंदर वाली लेयर होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो इंटाइन होती है, राइट. इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है. सो पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ जाएगी, पॉलन ट्यूब के पास क्या होता है, मेल गैमीट होता है, और यहाँ पे जो मेल गैमीट है, सो पॉलन ट्यूब कहाँ जाती है, पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के पास जाती है, और जब पॉलन ग्रेन जो है जब वो ओव्यूल के पास जाता है तो उसके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई, तो उनमें से एक मेल न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, एग के साथ फ्यूज हो जाता है, एग को फर्टिलाइज करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो पॉलन ट्यूब क्या कर रही है, स्पर्म कैरी कर रही है. स्पर्म का मतलब क्या है बच्चे, पॉलन ट्यूब क्या कह रही है, स्पर्म कैरियर मीन्स मेल गैमीट को लेके आ रही है. नेक्स्ट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म्स में बाय एयर होता है. पॉलन ग्रेन डेवलप करता है पॉलन ट्यूब,
on opening of ovule to carry male gamete towards the archegonia in the ovule. So female gamete कहाँ है? Ovule के पास है. तो pollen grains जो है वो tube like structure बनाएंगे which is known as pollen tube, and pollen tube जो है वो male nuclei को discharge कर देगी. One of the male gamete जो है वो egg के साथ fuse करके zygote बनाएगा. Fertilization हो गया and you have the zygote. Zygote जो है further grow करेगा और embryo बनाएगा, और ovules जो है वो बनाएंगे सीड्स. यहाँ पे जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं, देर इज नो कोई सीड्स के बाहर, कोई यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो रही है. सीड्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स, सीड्स आर नेकेड. ठीक है, नॉर्मली जो है कोन फॉर्मेशन से लेके सीड डिस्पर्सल को 2 ईयर्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली. कई बार क्या होता है कि जो सीड, जब सीड बन गया तो सीड जो है कई बार वो डॉर्मेंट रहते हैं. डॉर्मेंसी का मतलब होता है वो इनएक्टिव रहते हैं, वो जर्मिनेट नहीं करते. बट कई बार वो एकदम से अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो सीड जो है वो जर्मिनेट करेंगे, उसका सीड कोट रप्चर होगा, वो ग्रो करेंगे और उसमें से सीड जो है दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट. तो दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो आ जाती है. सो जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है वो डोमिनेंट फेज होता है और इंडिपेंडेंट फेज होता है, जबकि जो गेमीट्स का फेज होता है, जो गेमिटोफिटिक जनरेशन होती है, वो रिड्यूस्ड है, शॉर्ट फेज है और वो डिपेंडेंट फेज है. राइट, ओके. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. नाउ वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनकी क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है. सबसे पहले है ऑर्नामेंटल वैल्यू. जो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हम गार्डन्स में कल्टीवेट करते हैं, उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है बिकॉज वो एवरग्रीन प्लांट है और वो हमारी सराउंडिंग्स जो हैं उनको ब्यूटिफाई करते हैं. सो कौन सी जिम्नोस्पर्म्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जैसे साइकस है, थूजा है, ऑरोकेरिया है जिसे हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं. सो ये सारे क्या हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं विच आर हैविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू. देन फूड. बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ फूड यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने एक सागो का नाम लिखा है. सागो क्या है बच्चे? सागो जो साइकस है जिम्नोस्पर्म्स, उसका जो स्टेम है या उसका जो सीड है उसमें एक स्टार्च होता है. ठीक है, इट इज़ अ स्टार्च एंड द नेम ऑफ द स्टार्च इज सागो. सो ये इसको हम खाते हैं. उसके बाद जो पाइनस है, तो एक चिलगोजा हम खाते हैं. चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है. चिलगोजा जो होता है, व्हाट इज चिलगोजा? वो पाइनस जेरेडियाना, जेरेडियाना उसका स्पीशीज है, उसका सीड है. सो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. इसी तरह से जो नीटेलीज हैं या नीटम है, उसके जो लीव्स होते हैं दे आर ऑल्सो टेकन एज अ वेजिटेबल. इसी तरह से जो गिंगो मैंने आपको बताया था, लिविंग फॉसिल, उसके सीड्स भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं. सो चाइना जापान में एज ए फूड ज़्यादातर वो खाए जाते हैं. नेक्स्ट है वुड. जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर, उनका जो वुड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वुडी ट्रीज. सो जो सिट्रस मैंने अभी आपको दिखाया था, सिट्रस ड्योडारा, इसका वुड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन टिम्बर है. डो आपका जो है फर्नीचर बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए, रेलवे में स्लीपर्स बनते हैं इस वुड से. सो ये वुड जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है, देन अनदर बच्ची, यू मस्ट नोट इट डाउन बिकॉज दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन जूनिपेरस. जूनिपेरस जो है ये भी एक जिम्नोस्पर्म्स है. इसकी ट्विग्स जो होती हैं थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और इससे अगरबत्ती बनती है. इन ये जो है अगरबत्ती, इंसेंस जो होती हैं, बहुत अच्छी स्मेल होती है अगरबत्ती जो हम टेम्पल्स में, गुरुद्वारास में चलाते हैं, तो जूनिपेरस से बनती है. राइट, उसके बाद पाइनस जो है, पाइनस रॉक्स पर जी, जो ये जो इसकी जो इट इज़ यूज एज ए टिम्बर, एज ए वुड. देन वी हैव रेजिन्स एंड ऑयल्स. जो वुड है पाइनस की, उसमें से ऑयल निकलते हैं, दैट इज टर्पेंटाइन ऑयल है. ठीक है, सो लीव्स एंड वुड्स जो होती हैं उसमें से कई तरह के एसेंशियल ऑयल्स हमें मिलते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है. जैसे साइकस है, साइकस में से एक रेजिन निकलता है जो कि अल्सर्स को क्योर करने के लिए यूज़ होता है.
ठीक है। इसी तरह से जो कुछ पाइनस जो होती हैं, पाइनस स्पीशीज हैं, पाइनस रॉक्स पर जी, उसमें से भी एक रेजिन मिलता है जो कि कई तरह के स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो ये जो जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। देन वी हैव कुछ और यूजेस हैं, जैसे मैंने वाइन लिखा है, तो सीड्स ऑफ साइकस दे आर यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ वाइन इन द जापान, ठीक है। सो वाइन बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। इवन जो जूनिपेरस है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि इसकी ट्विग्स को जो हम अगरबत्ती बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सो जूनिपेरस जो है, जैसे इसको हम रेड सिगार भी कहते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल्स। तो आप पेंसिल्स जो यूज़ करते हैं, आप देखा आपने उसकी वुड कितनी सॉफ्ट होती है, तो वो जूनिपेरस की वुड होती है, इसको हम रेड सिगार बोलते हैं। रेड, दिस इज रेड सीडर, और इसकी वुड जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल्स, ठीक है। सो बच्चे, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको आपका आपको आज का ये लेक्चर जिम्नोस्पर्म्स समझ आ गया होगा, जिम्नोस्पर्म्स के वेरियस करेक्टरिस्टिक फीचर्स, और वो कोनीफर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड वॉट इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।